1 2 3 आराम ना फ्रेम में, मेरी पगड़ी तो नहीं कट रही ना, मैं सुंदर शक्ल से नहीं हाँ। और वरना जो मन में आए बोल देना खुल के और ऊंची आवाज में। हेलो जी, कैसे हैं आप? और मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू एंड आई एम गुरबानी कौर टिक्कू और मैं इनका पापा हूँ एंड मैं इनकी बेटी हूँ जी। और आज हम यहाँ पे आए हैं स्पेशल गप्पे मारने आपके साथ, बिकॉज आ रहा है कौन सा स्पेशल डे? फादर्स डे। यस, और मैं इनका फादर हूँ तो मैं इनका जरा व्हाई नॉट यू नो डू सब पंगा। सो वैसे तो लड़की मेरी बात मानती नहीं है, बट मैंने इसको बोला कि यम यम चाय ने कुछ स्पेशल खाना हमारे लिए भेजा है, तो उसके लिए लेकिन आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा अपना, एंड शी हैज एग्रीड, लाइक जान आ गई है पूरी पूरी इसके अंदर। सो एक काम करते हैं, लेट मी मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस एंटायर ब्राइड दैट आई हैव गिवन हर एंड आस्क हर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट माय सेल्फ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी तारीफ सुनना चाहूंगा, तो वैसे ही क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने इसके साथ। सो लेट्स सी अपना क्या होता है। क्या आप तैयार हैं गुरबानी कौर टिक्कू? यस। सो पहले आप मुझे हैप्पी फादर्स डे विश कर दीजिए। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू बेटा, इट इज इंडीड अ प्लेजर टू बी योर फादर जी। सो पहली बात, हाउ वाज योर लॉकडाउन एंड अभी तक जो लॉकडाउन चल रहा है कैसा चल रहा है, और पापा ने कब कब तंग किया या सबसे ज्यादा तंग कब किया? लॉकडाउन इज गोइंग वेरी ग्रेट, बट एक बात की कमी है। किस चीज की? व्हिच इज के हर दिन मैं टेबल के लिए जाता हूं 1 घंटे के लिए। सही। सो प्रॉब्लम ये है कि यू नो वी हैव टू यू नो वर्क स्टेशन, एक हरगुन का है, हरगुन का और गुरबानी का था, और गुरबानी का जो वर्क स्टेशन है हरगुन ने उसको वहां से निकाल दिया, गुरबानी को आगे वाला रूम मिल गया था लॉकडाउन से 10 दिन पहले, एंड शी वॉज क्रिएटिंग हर ओन वर्ल्ड। लॉकडाउन हो गया तो वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, एंड इवेंचुअली जो उसका कमरा हमने शेयर करना शुरू किया, और ये हो गया कि कभी हम इसको धक्का मारे कमरे से बाहर निकाल देते हैं, और कभी ये हमको धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देती है। सो ये था मेरा आपसे पहला क्वेश्चन। लेकिन एक बात और है इंटरेस्टिंग आपके साथ, तो एक काम करते हैं, I'll not just ask you questions. Okay, yum yum channel pe bheja likha little boxes of joy, huge boxes of happiness. So ek kaam karte hain, aapko ek activity karni padegi. And here is chopstick. So what you have to do is you have to eat 5 peanuts from this chopstick. Let's say aap kar pate ho nahi kar pate ho. Todo? Main se toota nahi jata. Sahi. Let's see, will she be able to do it? Aapko lagta hai kar payegi? मुझे सही, वन एट अ टाइम, छह नहीं खाने जब वन ठीक है। ओके, वन थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। ओके, टेक एज मच एज यू वांट। मैं से देवर टू हाफ्स, तो ओके ओके सही, सही लड़की है, मैथ्स पूरी है इसकी। टू हाफ्स, टू थ्री फोर, वाह, मतलब लोगों से सुशी नहीं उठती और इससे अपना चॉपस्टिक से अपना क्या उठ जाता है, पीनट्स। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे, एक सेकंड ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके ओके, नाउ दिस इज गेटिंग थोड़ा सा अपना टफ फॉर मी, मुझे लगा सर मैं क्वेश्चन पूछूंगा जी। अच्छा, तो व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब व्हेन यू वर किड? आई हैव बीन डाइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। ओह माय गॉड, यू आर डाइंग टू आस्क, पहले क्यों नहीं पूछा? सो माई ड्रीम जॉब, यू नो अपना बड़ा इंटरेस्टिंग, आई रिमेम्बर मैं गुरुद्वारा बंगला शेप के बाहर खड़ा हुआ था, एंड पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए कि गुल्लक में डाल देना, एंड मैं कहा पापा मैं बड़े हो गए ना अपना गुरुद्वारा खोलूँगा, एंड पापा सेड क्यों? मैं कह बड़े सही है भैया, अपने लोग आते हैं पैसे डाल के चले जाते हैं, तो भैया गुरुद्वारा खोलूँगा मैं। सो एक्चुअली माई ड्रीम जॉब वॉज टू यू नो ओन अ गुरुद्वारा, ओपन अ गुरुद्वारा, सो डैट पीपल विल कम देयर टू यू नो पे देयर रिस्पेक्ट, और साथ में पैसा डाल के जाएंगे, और पैसा लोग डाल के जाएंगे उससे मैं अपना घर चलाऊंगा। सो दैट वॉज माई ड्रीम जॉब। ओके, पापा के साथ कौन सी लाइफ अच्छी थी, कोविड से पहले वाली या अभी कोविड के बाद जब पापा घर पे, मतलब पापा घर पे बैठ के तंग करते हैं बहुत ज्यादा 3 महीने से, या पहले लाइफ अच्छी थी? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस वन, आई थिंक दोनों का सेम ही था। मेरी बारी, ऐसा क्या अनोखा किया आपने लॉकडाउन के टाइम पे जो आपको लगे कि हाँ जी दैट इज यू नो डिफरेंट, व्हाट यू हैव नेवर डन बिफोर, कुछ अलग सा किया हो? ओके, सो इफ यू डिडंट नो, मैंने थोड़े से पैसे डोनेट करें टू NRI, फीड द नीडी फंड्स, एंड आई थिंक यू हैव सीन द वीडियो ऑलरेडी।
मतलब दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, अ नाइस इनिशिएटिव एंड आई होप यू डू इट टू. सही, तो एक काम करते हैं इससे पहले अपना यू नो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, लेट अस हैव समथिंग टू ईट. सो वी हैव हियर चिकन एंड चिली ऑयल डिमसम्स, लुक्स इंटरेस्टिंग. इसके ऊपर एक और कवरिंग थी, हमने वो फेंक दी, इसको हम सैनिटाइज कर चुके हैं. यू नो इफ यू सी ये प्रॉपर तरीके से सील टूटी, ये हमने इसको खोला, आसान नहीं है बट दैट इज वॉट यू वॉन्ट राइट नाउ. एंड वी आर गोइंग टू हैव दीज चिकन एंड चिली ऑयल डिमसम्स. वेयर इज योर्स? यू नो लेट्स डू अ चीयर्स एंड हैव इट. हियर आई गो, मेरे को सॉसेस कोई नहीं चाहिए फिलहाल, आई जस्ट टेक दिस लाइक दिस. जी चीयर्स. These are good. These are very very good. पिजन को डर लग रहा है कि उनका खाना खत्म कर लेंगे, लेकिन आई टू जस्ट टेल यू, यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 3 months दैट वी हैव ऑर्डर्ड, बिकॉज वी वर टेकिंग आवर प्रिकॉशंस एंड व्हेन वी गॉट टू नो दैट यम यम चाय इज डूइंग इट, ट्रस्ट फैक्टर इज रियली हाई, वी थॉट ओके लेट्स हैव इट एंड वी हैव टेकन आवर प्रिकॉशंस. आई हैव दिस लाइक, so if you have a specific topic to talk about, what would you prefer more? You would like to shoot a video or instead write a blog? Yeah, earlier it was always about writing a blog, but what really happened in the lockdown is I started creating a few videos here and there. और पता है उसको करते करते मजा आने लगा, and I'm actually getting addicted to you know making videos on a very regular basis because I think मजा आ रहा है उसके अंदर. Which is one moment that you want to say relive with me? कहीं पर हम गए हो या घर में कोई ऐसा moment आपको याद है कि यार पापा को ना मजा आ गया था, मतलब I want to just you know spend that time again together, वहाँ पे खाना या वहाँ कोई ऐसा moment जो आपको लगे कि हाँ यार, मतलब चाहे वो travel कर रहे हो कुछ भी हो, that moment that you know वाह. Probably जब भी हम airport जाते थे हम KFC या कहीं से. Hi मेरी बेटी. We take something from KFC or Domino's and वो मज़े ही अलग होता है ठंडा खाना खाने का प्लेन के अंदर. सही सही. You got the answer? Tikkus खुने का. And भूख लगी है और भूख कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे KFC. जी. Okay, मेरी बारी. आपकी बारी है. Okay. Your question. I have two would you rather questions. Yeah. So the पहला वाला है. Would you rather prefer chicken or mutton? Chicken. And what do you like better, biryani or butter chicken? ये तो धर्म संकट है. ये तो धर्म संकट है. किसको नाराज करूँ? ये तो वही गाना मेरे को पंकज दास साहब का याद आता है. ए गमे ज़िंदगी कुछ तो दे फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा. तो भैया ऐसी कहानी है, एक तरफ बिरयानी और एक तरफ बटर चिकन, मैं तो धर्म संकट पड़ गया, दोनों ही मेरे करीब है, तो आई विल नॉट गोइंग टू गिव दिस आंसर, मैं नाराज नहीं करूंगा किसी को भी. जी सो नेक्स्ट वी कम आउट टू यू नो ओके. सो एक काम करते हैं, वो याद है हम जो करते हैं खटखट खटखट वो करते हैं, देखते कौन जीते, मैं ही जीता हमेशा. आई ऑलवेज विन. आई लव, पता है मम्मी का करने में मजा आता है, मम्मी रुकती नहीं है, मम्मी और मेरी स्पीड से मखड़ चलते रहते हैं, दो तीन मतलब 1.5-2 मिनट तक, ये हार जाती है लड़की. डिस्क्राइब योर पापा इन 3 words. ओके, केयरिंग, केयरिंग पॉजिटिव और फिर वेरी डाउन टू अर्थ. ओह माय गॉड, थैंक यू. आई लव दीस ऑल द 3 ones, पॉजिटिव, केयरिंग एंड डाउन टू अर्थ. Thank you, Gurbani. You are making me happier today on Father's Day. Thank you very much. Okay, so now we are going to end this beautiful video in next 2 minutes. And, you know, thanks to Yum Yum Cha for, you know, making us do this creative thing. उन्होंने बोला कि यार अपना आपने जो करने करो, मस्ती मारो. हमने कहा मस्ती ही मारेंगे हम दोनों बाप बेटी, along with having our food. अरे हाँ, खाना तो ले आओ. Okay, so while we, you know, take this forward, let us have something more to eat. So let us do one thing, Gurbani, while I ask you next question, let us have these wonderful noodle chicken three pepper. So let us pick this and let us sing the family song together. Cheers. 1, 2, 3. Hasate hasate kat jaye raste, zindagi yun hi chalti rahe, khushi mile ya gham badlenge na hum. So this was our special episode for Father's Day, lockdown with my superhero. See you, bye bye, tata, jaldi milenge, jaldi aapko.
Bye bye. See you. Ta-da. Thank you, baby. Oh my God.